हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओस के बारे में। दो आईपीओस चल रहे हैं जिसका आठ डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। हम बात करें अमानिया विंचर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में और साथ साथ में देखेंगे एसवीजे इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये आईपीओ के अंदर आज इसका थर्ड डे कंप्लीट हो गया। कितना सब्सक्रिप्शन आया, क्यों कल इसका आखिरी दिन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, उसके माध्यम से जो आईपीओ चल रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ में शेयर मार्केट के अंदर भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करके एंट्री कर सकते हैं। चलो देखते हैं अमानिया विंचर्स का आईपीओ और साथ साथ में एसवीजे इंटरप्राइजेस का भी। एसवीजे इंटरप्राइजेस आके आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में इसकी डिटेल देख लेते हैं और साथ साथ में लाइव स्टेटस क्या चल रहा है आज के डेट में वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कल इसका आखिरी दिन रहेगा। और आज इसके अंदर बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो क्वालिफाइड का जीरो रखा गया था और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर देखा जाए करीब करीब वन टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ चुका है, यानी कह सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स वन टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर इसके अंदर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। देखा है तो करीब करीब 0.8 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन आ चुके, नहीं कह सकते हैं ये आईपीओ भी करीब करीब वन टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। दोनों का 50-50% कोटा रखा गया था। बात करते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में इस आईपीओ के अंदर, तो करीब करीब इसके अंदर भी हमको 0.88 टाइम्स से नहीं करीब करीब ये आईपीओ भी एक वन टाइम इसके अंदर भर चुका है, नहीं ये आईपीओ भी करीब करीब ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। और बात करते हैं इसकी डिटेल के बारे में, तो फर्स्ट डे देखा जाए तो फर्स्ट डे कुछ खास रुझान देखा नहीं, 0.09 टाइम ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। सेकंड डे देखा तो 0.14 टाइम सब्सक्रिप्शन आया और इसका लास्ट दिन कल है और आज सेकंड लास्ट डे था, तो आज के दिन देखा जाए तो करीब करीब 0.88 टाइम से नहीं वन टाइम भी करीब करीब ये आईपीओ वर सब्सक्राइब हो चुका है। और बात करते हैं इसके और भी डिटेल के बारे में, तो इस आईपीओ के अंदर जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एसवीजी इंटरप्राइजेस के अंदर जो टोटल शेयर्स ऑफर हुए हैं या करीब करीब देखा है तो 16,14,000 इसके अंदर ऑफर हुए हैं, दोनों को मिला के 8,07,000 दोनों को ऑफर हुए थे। टोटल सब्सक्रिप्शन जो इसके अंदर अभी आ रहा है वन टाइम्स आ चुका है। चलो देखते हैं इसकी डिटेल भी देख लेते हैं, साथ साथ में आईपीओ के क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। एसवीजे इंटरप्राइजेस के आईपीओ के बारे में देखा है तो ये आईपीओ 23 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 23 फरवरी से 28 फरवरी को ये क्लोज हुआ है, यानी कल इसका भी आखिरी दिन रहेगा ये आईपीओ का। किसी भी आईपीओ है जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया है पर शेयर, और साथ साथ में प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 36 रुपीज़ पर शेयर से ये आईपीओ आया हुआ है। और इसका लॉट साइज़ देखा जाए तो क्योंकि एसएमई आईपीओ सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है तो इसके अंदर 3,000 शेयर्स रखे गए हैं एक लॉट के अंदर मिनिमम, और मैक्सिमम रिटेल को सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा, एक ही लॉट ले सकता है, और एक से ज़्यादा लेंगे तो दो लॉट वो एचएनआई से कैटेगरी में आ जाएंगे, तो कम से कम दो लॉट लेंगे तो उसके अंदर 6,000 शेयर्स मिलेगा। और बात करते हैं इशू साइज़ के बारे में, तो 6,12,00,000 का छोटा सा एक एसएमई आईपीओ है, टोटल पूरा आगे पूरा फ्रेश इशू है 6,12,00,000 का। और साथ साथ में देखते हैं आईपीओ की डिटेल में करते हैं इसकी लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, बीएससी एसई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है जिसका पी आज के डेट में करीब करीब 12-13 पे ट्रेड कर रहा है आज के डेट में। और कंपनी की मार्केट कैप दिखाई दो, करीब करीब 20 करोड़ की कंपनी मार्केट कैप है, एक छोटे स्मॉल इंटरप्राइजेस कंपनी है जिसका एसएमई आईपीओ, और टोटल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के डेट में 20 करोड़ है। फिलहाल देखा जाए जो एचएनआईएस का जो शेयर्स ऑफर हुए वो 50% ऑफर हुए हैं, और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है रिटेल को भी इसके अंदर 50% रखा गया, दोनों को देखा जाए 50-50% दोनों का रखा गया। चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम वो भी देख लेते, उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके आप जो आईपीओ आने वाले हैं और जो आईपीओ चल रहा है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम बात करें एसवीजे इंटरप्राइजेस के आईपीओ के बारे में, तो देखा है तो आज के डेट में आज है 27 फरवरी 2023 और इसका आज सेकंड लास्ट डे है, कल ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और शाम के करीब करीब 4 बजे का अपडेट है और बज रही है अभी फिलहाल 5:30। और आज भी देखा है तो करीब करीब डिस्काउंट पर चल रहा है, करीब करीब 5-10% के बीच में डिस्काउंट पर चल रहा है। फिलहाल जैसे भी जान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर। अमानिया वेंचर्स आईपीओ के बारे में देखा है तो ये आईपीओ भी स्टार्ट हुआ था 24 तारीख को, आज इसका सेकंड डे था और साथ साथ में कल ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। देखा है तो इस क्वालिफाइड का जीरो रखा गया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर अभी तक इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आया है 0.26 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ, नहीं कह सकते आईपीओ अभी चल रहा है। और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिटेल का कोटा देखा जाए तो करीब करीब 1.15 टाइम्स यानी वन टाइम ओवर सब्सक्राइब ये आईपीओ हो चुका है। दोनों का 50-50% था। टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते तो 0.71 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ चुका है, नहीं कह सकते आईपीओ वन टाइम ओवर सब्सक्राइब करीब करीब हो चुका है। अगर डे बाई डे के बारे में
में बात करते हैं तो ये आईपीओ फर्स्ट डे दे कुछ खास रुझान दिखा नहीं, कहीं कल फ्राइडे के दिन और 0.17 टाइम ही सब्सक्रिप्शन आया था। बात करते हैं सेकंड डे यानी 27 फरवरी के दिन के, दिखा 0.71 टाइम सब्सक्रिप्शन इसके अंदर हो चुका था। और बात करते हैं इसके आईपीओ के शेयर्स के बारे में, तो इसके अंदर करीब करीब दिखा जाए इसके अंदर आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन था तो करीब जो शेयर्स ऑफर हुए थे इसके अंदर 5,70,000 5,70,000 टोटल शेयर्स, इसके अंदर दोनों का 50-50% रखा गया था, 11,40,000 टोटल शेयर्स के अंदर ऑफर हुए हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। हम बात करें अमानिया वेंचर्स आईपीओ के बारे में, अगर इसकी डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 24 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो गया था और 28 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो 23 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है, क्योंकि एक ऐसी भी आईपीओ जिसके अंदर सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है, तो एक लॉट के अंदर 6,000 शेयर्स रखा गया है, यानी एक लॉट ले लेंगे जिसके अंदर 6,000 शेयर्स मिलेंगे, और इससे ज़्यादा लेना चाहेंगे दो लॉट मिलना पड़ेगा जिसके अंदर 12,000 शेयर्स मिलेंगे। और टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं, छोटा सी आईपीओ था 2,76,00,000 का और टोटल पूरा ही पूरा फेस इशू था 2,76,00,000 का। और बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की तो ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा हमको, बात करते हैं लिस्टिंग की तो ये हमको बीएससी एसएम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है और इसका पी दिखाई तो करीब करीब 71 पे ट्रेड कर रहा है। और फिलहाल मार्केट कैप दिखाया तो कंपनी का 8,60,00,000 की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 करोड़ पे चल रहा है। और इसके अंदर कोटा भी रखा गया था, 2 कोटा रखा गया था, जो एचएनआईएस को शेयर ऑफर हुआ था 50% ऑफर हुआ था और जो रिटेल को शेयर ऑफर हुए तो वो भी 50% ऑफर हुआ था। चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। बात करें हैं अमानिया वेंचर्स के आईपीओ के बारे में, तो देखा जाए तो आज है 27 फरवरी 2023, देखा जाए तो फिलहाल आज के डेट में भी ये फिलहाल डिस्काउंट पे चल रहा है, करीब करीब 13% डिस्काउंट पे चल रहा है, क्योंकि शाम के 4 बजे के अपडेट है। फिलहाल देखते हैं अभी इसका दो कल आखिरी दिन है, जैसा भी रुझान रहा था ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला तो आईपीओ के अंदर भी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बड़े दबा देना ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप सभी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।